अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो जो फाइनेंस एक्ट अमेंडमेंट्स आई थी उससे रिलेटेड है। एक पहली वीडियो कर चुके हैं, आज की सेकंड वीडियो। अच्छा जी, सेक्शन 65F से ऑनवर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं। 65F बता रहा है जी, टैक्स क्रेडिट फॉर सर्टन पर्सन्स, नया सेक्शन ऐड किया है। और ये इसमें टैक्स क्रेडिट आपको मिल जाएगा इक्वल टू 100% ऑफ द टैक्स पेबल अगेंस्ट NTR भी मिल जाएगा, मिनिमम अल्टरनेट और मिनिमम ACT और फाइनल टैक्सेशन के केस में मिल जाएगा। और ये मिलेगा जी पर्सन एंगेज इन कोड माइनिंग, स्टार्टअप में आ जाएंगे आपकी टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन सर्विसेज। इन दी ईयर इन विच दिस स्टार्टअप इज सर्टिफाइड बाई दी PSEB, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड। एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और IT एंड IT डेवल सर्विसेज अप टू 30th of 2025। अच्छा, 2025 के बाद ये जी इस पे जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है इस पे 1% लग जाएगा अंडर सेक्शन 154, प्रोवाइडेड 80% ऑफ दी एक्सपोर्ट प्रोसीज। ये जो सेकंड स्केचल में क्लॉज थी वो सारी इन्होंने उठा के ITR IT नेवल सर्विसेज वाली वही तले हैं कि 80% ऑफ दी जी की जो 80% ऑफ दी प्रोसीज है वो थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल पाकिस्तान में है। अच्छा जी, ये कुछ कंडीशन है इनकी फुलफिलमेंट में मिलेगा। टैक्स रिटर्न एज इन फाइल विद होल्डिंग स्टेटमेंट्स और सेल्स टैक्स रिटर्न फॉर द टैक्स पीरियड करस्पॉन्डिंग एंड सो ऑन। टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग व्हेन मेकिंग सर्टेन एलिजिबल कैपिटल इन्वेस्टमेंट एज स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 दिस एलिजिबल टैक्स पेयर तो शेल बी अलाउड टू टेक एन इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट ऑफ 25%। अच्छा जी, इसमें मिलेगा जी 25% टैक्स क्रेडिट। और ये भी मिनिमम और फाइनल टैक्सेशन के केस मिल जाएगा। और ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा जी 2 ईयर्स के लिए। एलिजिबल इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा आपका जी इन्वेस्टमेंट मेड इन द परचेज एंड इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी बिल्डिंग इक्विपमेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट सेल्फ क्रिएटेड सॉफ्टवेयर, मतलब कि आप कोई अपने सॉफ्टवेयर डेवलप करके लगा रहे हैं तो वो नहीं आएगा। एंड यूज़ कैपिटल गुड्स, ऐसे गुड्स जो आप प्लांट एंड मशीनरी यूज़ खरीद के लगा रहे हैं उस पर ये टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। एलिजिबल पर्सन में आ जाएगा जी ग्रीन फील्ड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज डिफाइंड इन क्लॉज 27A ऑफ सेक्शन 2, इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स और मटेरियल सब्जेक्ट और सब्जेक्शन ऑफ गुड्स और मटेरियल टू एनी प्रोसेस। अच्छा जी, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स आ जाएगा, शिप बिल्डिंग आ जाएगा प्रोवाइडेड एट दी पर्सन। अच्छा जी, पर्सन इनकॉर्पोरेट होना चाहिए जी बिटवीन द 30th day of June 2019 एंड 30th day of June 2024। अभी पर्सन की डेफिनेशन में सारे आ जाएंगे, इंडिविजुअल AOP कंपनीज, अब कंपनीज में आगे फिर ट्रस्ट एंड सो ऑन जितने भी हैं सारे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सारा कुछ आ जाएगा। इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप बाय 30th day of June 2023 एंड इंगेज इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट एंड आइटम्स विद इन विद डेडिकेटेड यूज फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो प्लांट एंड मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रही हो स्पेसिफिकली फॉर जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अच्छा, नॉन रिकॉग्निशन में ये है कि जी अगर आप कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करते हैं तो कोई गेन या लॉस नहीं आता। अच्छा जी, नॉन रिकॉग्निशन रूल अप्लाई होता है जी इन केस ऑफ गिफ्ट ट्रांसमिशन एंड ट्रांसमिशन आ जाएगा, गिफ्ट आ जाएगा बिटवीन स्पाउस आ जाएगा अंडर एन एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। तो इसमें यह था कि जो क्या कहते हैं उसको जो ट्रांसफरी है जिस बंदे को एसेट मिलना है वो रेजिडेंट होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट होगा तो ये क्लॉज नहीं अप्लाई होगी, मतलब कि जो बंदा ट्रांसफ़र कर रहा है जो ट्रांसफरर है उसके हैंड में ये टैक्सेबल हो जाएगा ऑन फेयर मार्केट वैल्यू। लेकिन अब ये क्लॉज जो है ना सिर्फ DE and F पे अप्लाई होगी। DE and F में आ जाएगा आपका जी ऑन द डिस्पोजल ऑफ AOP या ऑन द डिस्पोजल ऑफ कंपनी या ऑन द डिसोल्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ कंपनी और इस तरह की चीज़ें। तो बेसिकली ये जो तीन है ना बिटवीन स्पाउस अंडर एन एग्रीमेंट टू लीव अ पार्ट
ट्रांसमिशन ऑफ एसेट और डेथ ऑफ अ पर्सन और गिफ्ट। तो इन केसेस में जो है कि ट्रांसफरी अगर नॉन रेजिडेंट भी होगा तो गेन टैक्सेबल नहीं होगा इन द ईयर्स ऑफ ट्रांसफर। 100C जो है पूरा रिवैम्प कर दिया उन्होंने, पुराना सेक्शन सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसकी जगह ये नया सेक्शन ले आए, उसकी जगह सॉरी इस नई वर्डिंग ले आए सेक्शन की। तो इसमें थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, मैं आपको चेंजेस बता देता हूँ। अच्छा जी, एनी इनकम ऑफ अ पर्सन मेंशन इन क्लॉज ए बी एंड एच, कि जो क्लॉज ए बी एंड एच ऑफ सबसेक्शन टू, सबसेक्शन टू की जो क्लॉज ए बी एंड एच में जो मेंशन है पर्संस, उनकी सारी इनकम डिविडेंड कैपिटल गेन सो ऑन इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी बिजनेस वो भी सारी एग्जम्प्ट है। ए बी एंड एच में क्या आ रहे हैं जी, क्लॉज 66 सेकंड स्केड्यूल की, जिसमें आपके मोस्टली हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, ट्रस्ट एडमिनिस्ट्रेट अंडर अ स्कीम अप्रूव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोफेशनल गवर्नमेंट सो ऑन, यूनिवर्सिटी आर ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बीइंग रन बाय अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटीज आ जाएंगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आ जाएंगे, इनकी सारी इनकम एग्जम्प्ट है। अच्छा जी, अदर देन डैड जो है वो देख लेते हैं जी, ए बी और एच क्लॉज के अलावा जो है उनकी ये इनकम एग्जम्प्ट है, इनकम फ्रॉम डोनेशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन डेट, ग्रांट्स और इनकम फ्रॉम बिजनेस, यानी कि इसमें डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन जो है वो ऐड नहीं है। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की अदर देन क्लॉज ए बी एच ऑफ सेक्शन टू सबसेक्शन टू, वो उसकी सारी इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन इसमें जो है ना, इसमें आपका कैपिटल गेन और डिविडेंड टैक्स होगा। ये सारी इनकम एग्जम्प्ट है, लेकिन इसमें डिविडेंड और कैपिटल गेन ऐड नहीं है, तो उस पर टैक्स लगेगा। ये बाकी सारा जी, वही रिस्ट्रिक्टेड फंड है, वही एडमिन एक्सपेंसेस की, वही सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन के हवाले से। अच्छा, मिनिमम टैक्स में दो चेंजेस आई हैं। मिनिमम टैक्स जो टर्नओवर टैक्स जिसको आप लोग कहते हैं, ये अप्लाई होता था कि कंपनी में और इंडिविजुअल एंड एओपी के केस में अगर आपकी टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर रही थी और टर्नओवर एक्सीड कर रहा होता था 10 मिलियन, अब वो चला गया जी 100 मिलियन। और एक एक्सप्लेनेशन ऐड कर दी गई है आफ्टर क्लॉज ए, बट नॉट लिमिटेड टू रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वे सच रिसीट इज टैक्सेबल अंडर द एड इनकम फ्रॉम बिजनेस, कि जो हमने जो सेक्शन 18 में जो इजाफा किया था इनकम फ्रॉम बिजनेस में, जिन ऑर्गेनाइजेशन पे जैसे आपकी थी और जैसा कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की जो सेल परचेज ऑफ प्रॉपर्टी थी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो फॉल कर रही थी इनकम फ्रॉम बिजनेस में एज पर फाइनेंस एक्ट 2021, तो उस केस में भी टर्नओवर पे लग जाएगा। अच्छा, क्लॉज सी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें पहले ये था कि जो हम क्या कहते हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स एट द रेट ऑफ 29% के ऊपर जो हम पे करते थे मिनिमम टैक्स, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता था अगर वो मिनिमम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज़्यादा था, कैरी फॉरवर्ड हो जाता था फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, और वो एडजस्ट होता था ओनली टैक्स जो कॉर्पोरेट टैक्स था एट द रेट ऑफ 29% अगर वो एक्सीड करे। तो अब ये किया गया कि अगर टैक्स एट द रेट ऑफ 29% अगर ज़ीरो भी होगा ड्यू टू एनी रीज़न, ड्यू टू लॉस एंड सो ऑन, तो वो फिर भी जो आप मिनिमम टैक्स पे कर रहे हैं अंडर सेक्शन 113, तो वो फिर भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 5 ईयर्स के लिए। सारा कुछ जी एक्सप्लेन किया हुआ है वही। अच्छा, 114 में क्या जी, क्लॉज ए डी ओमिट कर दिए। सबसेक्शन 1 एक्सप्लेन कर रहा है जी कौन कौन लोग हैं जिनके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी है, एंड व्हेन वेलफेयर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 58, तो इन लोगों पे वेलफेयर इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड अंडर क्लॉज 58, तो इनके लिए रिटर्न फाइल करना लाजमी।
फाइव इन दी प्रोविजो फॉर दी फुल स्टॉप एंड फुल प्रोविजो शैल बी एट डेटा पर्सन हू फेल टू फाइल इट एंड। अच्छा जी, कमिश्नर नोटिस दे सकता है और किसी भी बंदे को कह सकता है कि आप फाइव इयर्स की प्रोसीडिंग, फाइव इयर्स की रिटर्न फाइल करें अगर वो फाइलर, और अगर वो फाइलर नहीं है तो वो 10 इयर्स की कह सकता है। लेकिन अगर वो, अगर किसी बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम है और फॉरेन एसेट्स हैं, तो कमिश्नर उस बंदे को कह सकता है कि बगैर किसी टर्नओवर के, बगैर किसी पीरियड के, जैसे 5 इयर्स और 10 इयर्स का पीरियड है, इसके बगैर वो कह सकता है किसी भी टर्नओवर की कि वो रिटर्न फर्निश करें। इन सबसेक्शन 16 क्लॉज ए फॉर द समी कॉलन कॉलन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड देयरफॉर द फॉलोइंग न्यू प्रोविजो शैल बी एडेड नेमली प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर मे वेव दिस कंडीशन इफ द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड एट फॉलोइंग ऑफ रिवाइज अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स। अच्छा जी, जब हम रिवीजन करते थे, रिवीजन ऑफ रिटर्न फाइल करते थे, तो उसके लिए कंडीशंस थी कि आपने रिवाइज अकाउंट्स या रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स फाइल करने। तो अब उसमें ये नई प्रोविजो ऐड, प्रोविजन ऐड कर दिया कि कमिश्नर इस कंडीशन को वेव कर सकता है। अच्छा जी, ये सर इसकी एक्सप्लेनेशन है। द कमिश्नर इन पावर टू इशू नोटिस रिक्वायरिंग टैक्स पेयर टू फाइल टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द लास्ट फाइव टैक्स फाइव कंप्लीटेड टैक्स ईयर आर एनी ऑफ द लास्ट फाइव कंप्लीटेड टैक्स ईयर इन केस ऑफ नॉन फाइलर। मतलब उनके फाइलर के केस में 5 साल का कह सकता है, नॉन फाइलर के केस में 10 साल। हो अगर, और ये सारा कुछ एक्सप्लेन किया। फाइलिंग ऑफ रिवाइज टैक्स अकाउंट्स, रिवाइज अकाउंट्स एट द टाइम ऑफ रिवीजन ऑफ रिटर्न। इन केस ऑफ रिवीजन ऑफ रिटर्न द टैक्स पेयर रिक्वायर्ड टू अकॉम्पनी रिवाइज अकाउंट्स और ऑडिटेड अकाउंट्स अलॉन्ग विद। हाउएवर नाउ द कमीशन हैज बीन गिवन अ पावर टू वेव ऑफ दिस कंडीशन। जी, कमिश्नर के पास पावर है कि वो इसे, इस कंडीशन को वे ऑफ कर सकता है। 114 टैक्स पेयर प्रोफाइल ओमिट कर दिया गया, इसकी जगह पे वो बैंक अकाउंट की उन्होंने डेफिनेशन ऐड कर दी है, तो ये अब प्रोफाइल अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, असेसमेंट में सबसे बड़ी चेंज तो ये आई है कि पहले हमारी असेसमेंट होती थी कि 6 माह बाद जाके कि वो कंप्यूटराइज असेसमेंट करेगा, कोई गलती निकलेगी और उसके बाद 6 माह के बाद जाके आपकी वो असेसमेंट होगी। लेकिन अब उसमें ये चेंज आ गया जी कि फॉर दी एक्सप्रेशन एडजस्टमेंट्स वर मेड अंडर सबसेक्शन 2A द एक्सप्रेशन रिटर्न वाज फर्निश्ड। तो जिस दिन रिटर्न सबमिट होगी वही उसी दिन आपकी असेसमेंट हो जाएगी। मतलब कि ये वापस हम लोग टीम्ड असेसमेंट की तरफ चले गए, और इसमें बस यही कुछ है मेन। अच्छा जी, 122 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट है, इसमें जी क्या चेंजेस आई हैं प्रोवाइडेड है। अच्छा, इसमें देता हूँ आपको, प्रोवाइडेड ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 डेज ऑफ इश्यूएंस ऑफ शो कॉज नोटिस विद इन सच एक्सटेंडेड पीरियड द कमिश्नर मे फॉर रीजन टू रिवर्ट इन सच एक्सटेंडेड टाइम पीरियड शैल बी। प्रोवाइडेड एट एनी पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द प्रोसीडिंग आर एडजर्नड ऑन अकाउंट ऑफ फर्स्ट डे ऑर्डर आर ADR proceedings are agreed assessment proceeding under 122D shall be excluded। अच्छा जी, पहले कोई टाइम पीरियड नहीं था, अगर कमिश्नर हमारी असेसमेंट अमेंड करता है तो कितनी देर तक वो ऑर्डर देगा। तो अब ये है जी कि 120 डेज के अंदर उसने ऑर्डर पास करना है, और वो जो मैक्सिमम टाइम पीरियड वो एक्सटेंड कर सकता है जी, वो 90 डेज है। और ये उन नोटिस पे अप्लाई होगा वो जो इश्यू होंगे आफ्टर 1 जुलाई 2021, और वो जो एडजस्टमेंट्स आ रही होंगी, जो आप एडजस्टमेंट्स अप्लाई कर रहे होंगे, वो इससे एक्सक्लूडेड है। अच्छा जी, द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी एडेड इफ एनी ऑर्डर इज मैंडेटेड बैक टू एनी लोअर
अथॉरिटी बाय द कमिश्नर फॉर मॉडिफिकेशन ऑल्ट्रेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्शंस और डी नोवो प्रोसीडिंग्स द ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर शैल बी इशूड। अच्छा जी, किसी हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटीज की तरफ कोई रिमांड बैक होगा केस, तो उसका ऑर्डर जो है ना वो 120 डेज में आपने पास करना। तो पहले ये नहीं था लेकिन अब ये हो गया। सेम वही जो अमेंडमेंट ऑर्डर के वाले से मैंने आपको बताया, लाइक इनडायरेक्ट टैक्स पहले जो जिस तरह सेल्स टैक्स में टर्नओवर था 120 डेज का, तो अब वो यहाँ भी इम्प्लीमेंट हो गया। देयर हैज बीन नो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोसीडिंग्स वंस इनिशिएटेड अंडर इनकम टैक्स अंडर दिस सेट अमेंडमेंट एन ऑर्डर इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। मतलब कि शो कॉज नोटिस इशू करने के 120 दिन के अंदर अंदर आपने जो है ना ऑर्डर पास करना है, एक्सक्लूडिंग एनी पीरियड फॉर विच प्रोसीडिंग आर स्टेड अडजमेंट एंड सो ऑन अनलेस एक्सटेंडेड बाय रिक्वेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 90 डेज। और वो जो नोटिस इशू होंगे आफ्टर 1 जुलाई उन पर अप्लाई होगा। 127 आपका जी अपील्स के हवाले से, फर्स्ट सबसेक्शन टू द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सबसेक्शन टू की जगह ये नया सबसेक्शन आ गया, नो अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय टैक्सपेयर अगेंस्ट एन ऑर्डर ऑफ असेसमेंट अनलेस द टैक्सपेयर हैज पेड द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू। एंड आफ्टर सबसेक्शन 3 द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी द बोर्ड मे प्रिस्क्राइब मैकेनिज्म फॉर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ अपील्स। ये तो पहले ही हो गया जी, अपील्स इलेक्ट्रॉनिक फाइल हो रही हैं आज। अच्छा जी, द एक्ट सिंप्लीफाइड दैट द पीरियड ऑफ 30 डेज फॉर पेमेंट ऑफ डिमांड शैल नॉट अप्लाई वेयर अ डिमांड इज क्रिएटेड थ्रू एन ऑर्डर गिविंग इफेक्ट टू ऑर्डर डायरेक्शन ऑफ द कमिश्नर अपील्स। अच्छा जी, जो 30 डेज का टाइम होता था आपको डिमांड जो टैक्स डिमांडेड पे करने का, वो जो कमिश्नर अपील्स के ऑर्डर है या डायरेक्शन है उस पर अप्लाई नहीं होगा, कमिश्नर अपील्स के, अपेलेट ट्रिब्यूनल के, सुप्रीम कोर्ट के, और ये इमीजिएटली पेबल होगा। असल कमिश्नर आपका कोई ऑर्डर करता है और आपके पास तो टाइम होता है ना 30 डेज का, लेकिन इन केस ऑफ कमिश्नर अपील्स, अपेलेट ट्रिब्यूनल, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके जो ऑर्डर्स होंगे जब आप अपील्स में जाके अपील फाइल करेंगे और इनके ऑर्डर्स आएंगे, उनके केस जो टैक्स डिमांडेड है वो इमीजिएटली पेबल हो जाएगा। अच्छा जी, 146 सी ऐड कर दिया गया, असिस्टेंस इन द रिकवरी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अच्छा, इसके बारे में आपको बता देता हूँ, ये फॉरेन टैक्स अथॉरिटीज के रिलेटेड है, अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन और फॉर असिस्टेंस इन रिकवरी ऑफ टैक्सेस। ओके, इन 147 इन सब सेक्शन 6 इन द फर्स्ट प्रोविजो फॉर द कॉलन एट द एंड अ स्टॉप शैल बी सब्सटिट्यूटेड फॉर द सेकंड प्रोविजो शैल बी ओमिटेड। Withdrawal of power of the commissioner to reject the estimate submitted by the taxpayer। अच्छा जी, पहले taxpayer सब अगर उनके estimate करते थे कि जी हमारा जो advance tax quarterly है वो less होगा, 90% की जो amount बन रही है उसके हिसाब से less होगा, या जो provisional पिछली adjustment करते हैं उसके हिसाब से less होगा, तो वो एक estimate file करते थे और commissioner के पास power होती थी कि वो उसको reject कर सके। वो जो हम फार्मूला यूज़ करते थे टर्न ओवर मल्टीप्लाई बाई टैक्स एस फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर डिवाइडेड बाई टर्न ओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर, तो उसकी बिना पे हम जो असेसमेंट निकालते थे टैक्स की, जो हमारा एडवांस इनकम टैक्स था। और सपोज जैसे कोविड की वजह से हमारी असेसमेंट कम है, कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी हैं जो 6-6 माह के लिए भी बंद रही हैं, तो हम रिवाइज एस्टिमेट सबमिट करते थे कि जी हमारा जो है ना एडवांस टैक्स इतना नहीं, 15 कम बनेगा, तो कमिश्नर के पास पावर थी कि वो उस एस्टिमेट को रिजेक्ट कर सकता था। लेकिन जो है ना ये पावर जो कमिश्नर की है वो विड्रॉ कर दी गई है अब, तो अब जैसे मर्जी आप एस्टिमेट फाइल करें। सेक्शन 150 ओमिट कर दिया गया जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन सुकूक। अब ये आपका चला गया है जी उसमें प्रॉफिट ऑन डेट में,
जी 152 पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट। अच्छा जी, नॉन रेजिडेंट के केस में सबसेक्शन 1B, 1BB, 1BBB। अच्छा, ये एक्सप्लेन कर रहा था जी कि कॉन्ट्रैक्ट के केस में ये मिनिमम है एंड फर्दर इंश्योरेंस के केस में मिनिमम है। सेपरेट सारा कुछ सेपरेट उन्होंने 1B में सेपरेट बताया हुआ था एंड सो ऑन, सारा सेपरेट सेपरेट बता रहा था कि 1A में ये है जी, 1BB में ये है, मतलब कि सब में भी ऑलमोस्ट मिनिमम ही था। अच्छा, उसको सब्सटीट्यूट कर दिया उसने, एक ही क्लॉज बना दिया 1B टैक्स डिडक्टेबल, सॉरी सबसेक्शन बना दिया 1B टैक्स डिडक्टेबल अंडर सेक्शन 1A, 1AA, 1AAA शैल बी मिनिमम टैक्स। तो उसने एक ही बता दिया कि बजाय कि वो इतने सबसेक्शन ऐड करता, उसने एक ही बता दिया। एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट डायरेक्टली थ्रू एन एजेंट आर इनविट टू अ नॉन फॉर फॉरन प्रोड्यूस कमर्शियल फिल्म। अच्छा, ये 152A शायद इन्होंने ख़त्म कर दिए और ये इसको मर्ज कर दिए, इस पर जी 20% आपने टैक्स काटना था और ये फाइनल टैक्स कंप्यूट होना था। फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल फॉर एडवर्टीजमेंट और एनी टेलीविजन चैनल आफ्टर सबसेक्शन 1D द फॉलोइंग न्यू सबसेक्शन शैल बी इंसर्टेड। अच्छा जी, एवरी बैंकिंग कंपनी नॉन रेजिडेंट मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट और अ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान वैल्यू अकाउंट और अ नॉन रेजिडेंट होल्डिंग POC पाकिस्तान रीजन और अ नेशनल NICOP और अ CNSE शैल डिडक्ट टैक्स फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन डिस्पोजल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सर्टिफिकेट्स। अच्छा जी, जो बैंकिंग कंपनीज हैं जो मेंटेन कर रही हैं FCVA, NRVA और एस ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल जिनके पास जी POC है, NICOP है, उनको पेमेंट करते हुए जो कैपिटल गेन जो अराइज होगा डेट इंस्ट्रूमेंट पे या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे या सर्टिफिकेट्स पे, तो उस पर इन्होंने टैक्स डिडक्ट करके देना, टैक्स डिडक्ट होगा जी एज पर 20%। वन डी बी एड कर दिया, एवरी स्पेशल पर्पज व्हीकल और अ कंपनी एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ अ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन स्कूप टू अ नॉन रेजिडेंट स्कूप होल्डर शैल डिडक्ट टैक्स ऑन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, स्कूप्स पे टैक्स लग जाएगा एज पर रेट्स मेंशनड इन डिवीजन 1B ऑफ पार्ट 3A। मैंने देखा नहीं अभी जी। फॉर सबसेक्शन 1A द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, द टैक्स डिडक्टेबल अंडर 1D, 1DA, 1DB शैल बी फाइनल। अच्छा जी, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन स्कूप्स या कैपिटल गेन 1DBA इस पे फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल फिल्म टैक्स लगेगा FTR, मतलब के फाइनल टैक्स जी में फाल कर जाएगा जो कट गया वही। ये 152 है जी, पेमेंट फॉर फॉरेन प्रोड्यूस कमर्शियल फिल्म्स, ये जो मीट करके ये चला गया जी वन डी में चला गया जी, 1DBA में। ये सेम उसी की एक्सप्लेनेशन है इधर जी, फॉरेन करेंसी वैल्यू अकाउंट है जी, NRVA ऑफ अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग POC एंड NICOP CNSE शैल डिडक्ट टैक्स अंडर FTR फ्रॉम कैपिटल गेन डिस्पोजल ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट गवर्नमेंट डेट सिक्योरिटीज एंड सो ऑन, ये सारा कुछ इसमें एक्सप्लेन किया। ये फाइनल टैक्स है जी, ये स्कूल्स के स्कूल से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट इन स्कूल्स। जब पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज में एक लॉज थी, एक सबसेक्शन था 4, इसमें था जी कि अगर आपने पेमेंट जो इसमें थी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड, जो पब्लिक कंपनी है वो अप्लाई करती है जी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट के लिए तो उसको 15 days में मिल जाता है, अगर कमिश्नर कोई उस पर ऑब्जेक्शन ना लगाए।
लेकिन जो अदर देन कंपनीज थी, अदर देन पब्लिक लिस्टेड, उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं था। तो अब उसने पब्लिक लिस्टेड को ओमिट करके उसकी जगह कंपनी का वर्ड ले आया वो। तो ये है कि अब सारी कंपनीज को 15 डेज में एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा जी, सबसेक्शन 1 रिलेटेड था कि जिन सबसेक्शन 5 जो है वो इनको डील कर रहा था, जिसपे अपने पेमेंट करते हुए टैक्स नहीं काट। तो पेमेंट मेड टू ट्रेडर्स ऑफ यान बाय द टैक्स पेयर स्पेसिफाइड इन द 0 रेटेड रिजीम ऑफ सेल टैक्स, ये उन्होंने ओमिट कर दिए क्लॉज 20 के। तो अब पेमेंट मेड टू द ट्रेडर्स ऑफ यान अब जी सब्जेक्ट टू विथ होल्डिंग है अंडर सेक्शन 153। द फाइनेंस एक्ट हैज विड्रॉन दिस एग्जम्पशन बाई विच यू दिस अमेंडमेंट नाउ ट्रेडर्स ऑफ यान वुड फॉल अंडर क्लॉज 55A ओनली एंड शेल बी सब्जेक्ट टू विद होल्डिंग ऑफ टैक्स। अच्छा, क्लॉज 55A जो है वो बता रही है जी विद होल्डिंग जो है ना अंडर सेकंड स्केड्यूल, इस पे विद होल्डिंग होगी 1% सब्जेक्ट टू फुलफिलिंग ऑफ सर्टन स्पेसिफाइड कंडीशंस। तो इसकी विद होल्डिंग चली जाएगी जी एज पर सेकंड स्केड्यूल, और ये होगी जी एट द रेट ऑफ 1%। ये भी जो है वो ओमिट हो गया जी। पेमेंट ऑफ रॉयल्टी टू रेजिडेंट पर्सन, तो ये अब सर्विसेज में फॉल करेगा, और ये टैक्स जो इस पे डिडक्ट होगा वो जी MTR में चला जाएगा। अच्छा जी, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आप अब चला गया, आपने पहले तो IT एंड IT एनेबल था एंड सो ऑन, जितने भी थे सारे सेकंड स्केड्यूल में थी, एक कॉन्ट्रैक्ट था या सर्विसेज आपने रेंडर की और साइड पाकिस्तान, तो वो सारी सेकंड स्केड्यूल में थी, किसी पे रिड्यूस रेट था और IT एंड IT एनेबल सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी। अब एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर IT एंड एनेबल सर्विसेज इन केस टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 65 इज नॉट अवेलेबल। अच्छा, सेक्शन 65F में हमने देखा था कि IT एंड IT एनेबल सर्विसेज है ना वो उस पर 100% टैक्स क्रेडिट है टू 30th डे ऑफ जून 2025। तो आफ्टर 2025 जो है 1 जुलाई 2025 जो एक्सपोर्ट ऑफ IT एंड IT एनेबल सर्विसेज है इस पर भी टैक्स लग जाएगा। अच्छा जी, सर्विसेज आर टेक्निकल सर्विस रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा जी, टेक्निकल सर्विसेज एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान, इस पर भी टैक्स लग जाएगा। रॉयल्टी कमीशन आर फी ट्राइड बाई रेजिडेंट फ्रॉम अ फॉरन एंटरप्राइज इन कंसिडरेशन फॉर यूज आउट साइड पाकिस्तान ऑफ पेटेंट इन इन्वेंशन मॉडल डिज़ाइन। अच्छा, ये एग्जाम था अंडर सेकेंड स्केड्यूल, और ये भी अब इसमें फॉल कर जाएगा। कमर्शियल आर साइंटिफिक नॉलेज एक्सपीरियंस आर स्किल्स मेड, और ये सारा कुछ इसमें फॉल कर जाएगा, और इस पर भी टैक्स लगेगा। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स पे पहले जो रेंडर्ड किए हैं एग्जीक्यूट किए हैं आउटसाइड पाकिस्तान, इस पर टैक्स लाइबिलिटी हो जाती थी रिड्यूस एट द रेट ऑफ 50%। मसलन के 7 था तो 3.5, और ये FTR में फॉल कर रहा था एज पर सेकेंड स्केड्यूल। तो इस पर भी ये भी चला गया आपका एक्सपोर्ट में, तो इस पर भी टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 1%। अदर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड पाकिस्तान तो नोटिफाइड बाई द बोर्ड, लेकिन अभी तक बोर्ड ने नोटिफाई तो नहीं किए। फाइनल टैक्स है, फुलफिलमेंट ऑफ फॉलोइंग कंडीशन है, रिटर्न हैज बीन फाइल्ड विद होल्डिंग स्टेटमेंट सेल्स टैक्स रिटर्न्स, नो क्रेडिट फॉर फॉरेन टैक्सेस पेड शैल बी अलाउड। तो आपने फॉरेन में टैक्स पे किया है फॉरेन कंट्रीज में, उसका आपको टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। हु डज नॉट फुलफिल एंड सो ऑन, ये सारी कंडीशंस पढ़ लीजिएगा। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन सबसेक्शन 1 आफ्टर द एक्सप्लेनेशन द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन शैल बी इंक्लूडेड। फॉर मूवेबल डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट द सबसेक्शन 1 शैल अप्लाई व्हेन अ पेमेंट इज मेड ऑन अकाउंट ऑफ रेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इरिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट ऑफ इनकम। प्रेजेंटली देयर वाज नो विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 1 ऑन द रेंटल इनकम व्हिच फॉल्स अंडर अदर हेड ऑफ इनकम लाइक इनकम फ्रॉम ऑन ग्राउंड रेंट और सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग। और नाउ फाइनेंस एक्ट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट विदहोल्डिंग ऑफ इनकम टैक्स वुड बी मेड ऑन रेंट ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी इवन इफ। अच्छा जी, पहले ये था कि जो इनकम जो थी आपकी, सपोज
इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में फाल कर रही थी, फ्रॉम लीज और लैंड थी या ग्राउंड रेंट था, तो उस पर आपने विदहोल्डिंग नहीं थी करनी, आपको जब अमाउंट मिलती थी। लेकिन अब ये है कि जो भी आपको रेंट के अगेंस्ट अमाउंट मिल रही है, उस सारी पे आपने विदहोल्डिंग करनी। ये जी एग्जम्पशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, ये वही 15 डेज का, कि 15 डेज के अंदर आपको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अगर नहीं, अगर वो उस नहीं इशू करता तो डीम्ड टू भी इशू हो जाएगा आफ्टर एक्सपायरी, कमीशन मॉडिफाई कर सकता है या कैंसिल कर सकता है। सेक्शन 165। अच्छा जी, विदहोल्डिंग स्टेटमेंट सब इसमें ये चेंज आया कि आपने एनुअली एक तो आपने फाइल करना है जी, क्या कहते हैं उसको, एक तो आपने रिकंसिलेशन फाइल करनी है जो आपने टैक्स काटा है, और दूसरा आपने ई स्टेटमेंट फाइल करनी है जितना भी आपने टैक्स काटा है विद इन 30 डेज ऑफ एंड ऑफ द टैक्स ईयर। आपने ई स्टेटमेंट फाइल करनी है और रिकन्सिलिएशन आपने फाइल करनी है एट द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। तो ये चेंज आया है इन सेक्शन 165। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में दो तीन चेंजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन दो तीन मेजर मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इनकम 8 लाख तक, 800,000 रुपीज़ तक है, तो मिनिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी जो 40,000 थी वो हो जाएगी 5,000 रुपीज़, प्रोवाइडेड आल्सो डेट दी पेनल्टी रिड्यूस होती जाएगी 75%, 50% या 25% इफ़ रिटर्न इज़ फाइल विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। अगर 1 माह के अंदर ऑफ ड्यू डेट, अगर सपोज कंपनी के केस में 31 दिसंबर, और अगर आप 31 जनवरी तक फाइल कर लेंगे, 75% पेनल्टी नहीं लगेगी, 75 से रिड्यूस हो जाएगी। अगर 28 फेब तक कर लेते हैं तो आपकी पेनल्टी 50% लगेगी, और अगर आप 31 मार्च तक करें तो आपकी 75% लगेगी, और अगर आप इसे एक्सीड करें तो 100% पेनल्टी लग जाएगी। अच्छा जी, अगर आप स्टेटमेंट्स नहीं फाइल करते हैं 165 और 165A, और आपका कोई भी टैक्स, आपकी लाइबिलिटी नहीं है कोई भी टैक्स पे करने के, सपोज कोई सैलरी भी नहीं है आपकी, सैलरी भी आप पे नहीं कर रहे जो टैक्सेबल है, और किसी पार्टी का आपने टैक्स भी नहीं काटा इन केस ऑफ कंपनी, तो आपको पता है कि स्टेटमेंट्स फाइल करनी ही करनी है। तो अगर टैक्स पेएबल नहीं है तो मिनिमम पेनल्टी जो है 10,000 रुपीज़ एंड सो ऑन, ये सारी पेनल्टीज है। 182A रिगार्डिंग टैक्स पेयर्स प्रोफाइल, ये ओमिट कर दिया गया, जिसमें यह था कि अगर कोई पर्सन ड्यू डेट तक वो फाइल नहीं करता टैक्स पेयर प्रोफाइल, जैसे कि ये 30 जून तक एक्सटेंड हो गई थी, तो उसका नाम जो है ATL में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, तो ये सेक्शन ओमिट कर दिया गया। ट्रायल बाय स्पेशल जज, इसमें इन सब सेक्शन ऑफ एट द एंड ऑफ द कॉन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड द फॉलोइंग न्यू फॉलोइंग प्रोविजो शैल बी एडेड, नेमली प्रोवाइडेड एट वेयर द ऑफेंस कंसीलमेंट ऑफ इनकम व्हिच हैज बीन रिजल्टेड इन नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। अच्छा जी, कोई भी अगर कंसीलमेंट ऑफ इनकम है जो नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस को जा रही है जी, और नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जो है ना वो 100 मिलियन इन केस ऑफ फाइलर एंड 25 मिलियन इन केस ऑफ नॉन फाइलर है, तो जो प्रोसीजर 203B में है वो अप्लाई होंगे। अच्छा, 203B देख लेते हैं, ये नया सेक्शन ऐड किया जी, पावर टू रेस्ट एंड प्रोसिक्यूट। अच्छा जी, इन केस ऑफ ऑडिट कंडक्टेड, अगर नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो 100 मिलियन है इन केस ऑफ फाइलर एंड 25 मिलियन है जी इन केस ऑफ नॉन फाइलर, टैक्स पेयर मे बी अरेस्टेड आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल ऑफ द कमेटी, और कमेटी सब कंस्टिट्यूट कर रही होगी जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू, द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड एंड द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द बोर्ड एंड सो ऑन। तो ये है कि जी अब टैक्स पेयर जो है ना उसको अरेस्ट किया जा सकता है। यही थी इसमें जी मेन चीज़ें, ये जी उसको एक्सप्लेन किया गया सारे जो सेक्शंस हैं।
रिवार्ड एंड बेनिफिट्स फॉर सर्टेन पर्सन द बोर्ड में सेंक्शन रिवार्ड्स टू ई इंटरमीडियरीज फॉर फाइलिंग रिटर्न्स ऑफ न्यू टैक्स पेज। अच्छा जी, जो न्यू ई इंटरमीडियरीज हैं जो आपके कंसल्टेंट्स वगैरह उनको जी रिवार्ड मिलेगा रिपेयर्स की शक्ल में, टैक्स क्रेडिट अलाउंसेस एंड सो ऑन। और ये अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया, ना ही कोई डेट नोटिफाई की। ई हेयरिंग हो जी, इलेक्ट्रॉनिकली हेयरिंग होगी और रिकॉर्डिंग ऑफ ई हेयरिंग जो है ना वो एडमिसिबल एविडेंस होगा बिफोर एनी फोरम और कोर्ट ऑफ लॉ। और बोर्ड अभी रूल बनाएगा इस पर, अभी कोई रूल नहीं बनाएगा। 231 से जो कैश विड्रॉल से रिलेटेड है वो जी ओमिट कर दिए गए हैं। Previously, the non-filers were subject to deduction of tax at the rate of 0.6% by virtue of the said amendment. There shall be no withholding by the banks on cash withdrawal and non-banking transactions. तो cash withdrawal पे और certain banking transactions पे जी आपको अब withholding नहीं लगेगी, आप चाहे filer हैं चाहे non-filer हैं। पहले non-filer के केस में था लेकिन अब omit हो गया। अब अगर आप return file नहीं भी करते तो आपके tax नहीं लगेगा। जी एडवांस टैक्स ऑन प्राइवेट मोटर व्हीकल्स द फाइनेंस एक्ट 1996 द रेवेन्यू हैज इंट्रोड्यूस न्यू स्लैब बाय व्हिच योर रिसर्च एवरी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी एट द टाइम हैज बीन सोल्ड। अच्छा जी, अगर कोई बंदा जो है जिसने ओरिजिनली गाड़ी परचेज की है और उसने रजिस्ट्रेशन से पहले ही गाड़ी सेल कर दी है तो उस पे ये एडवांस टैक्स एप्लीकेबल होगा जी। अगर गाड़ी की कैपेसिटी 1000 cc है, 50,000, 1000 से 2000, 1,00,000 और 2,000 से ऊपर है जी तो 2,00,000 रुपये। तो ये उस बंदे पे एडवांस टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा और ये कलेक्ट करेगा जी मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट। मतलब कि एक्साइज एंड टैक्स, अगर आप सपोज एक बंदा गाड़ी ले लेता है, जैसे ये आजकल शोरूम वाले गाड़ियां ले लेते हैं लेकिन बुकिंग अपने नाम पे करवा लेते हैं और फिर ऑन पे भेज देते हैं, तो इसका इन्होंने ये हल निकाला कि कोई बंदा गाड़ी लेता है और उसको बगैर अपने नाम करवाए बगैर रजिस्ट्रेशन करवाए भेज देता है तो उस पे टैक्स लग जाएगा। तो जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा अगला बंदा जिसने बाई की होगी तो उस टाइम पे ये टैक्स लग जाएगा। एक्साइज एंड टैक्सेशन में जाएगा जब वो रजिस्ट्रेशन करवाने तो एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले उससे ये टैक्स डिडक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। जी ब्रोकर एंड कमीशन में पहले था जी कि विथहोल्डिंग एजेंट थे उस प्रिस्क्राइब्ड पर्सन थे कंपनी और एओपी कंस्टिट्यूटेड अंडर लॉ। अब एओपी कंस्टिट्यूटेड अंडर लॉ में आ जाती थी आपकी एलएलपी फॉर्म्स आ जाती थी लॉयर्स की चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। तो अब उन्होंने एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंस्टिट्यूटेड अंडर लॉ जो है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। एसोसिएशन पर्सन एंड इंडिविजुअल हैविंग टर्नओवर ऑफ 100 million rupees और मोर। अब जो इंडिविजुअल और एओपीज हैं, सारी एओपीज जब भी वो कमीशन या ब्रोकरेज पे कर रही होंगी और उनका टर्नओवर जो है ना 100 million या इससे ज़्यादा होगा तो उन्होंने पेमेंट करते हुए टैक्स डिडक्ट ऑन ब्रोकरेज एंड कमीशन टैक्स भी फाइल करना है। सपोज कर लें कि एट द रेट ऑफ 12% एंड नॉर्मल तो 12% वो काट के नेट अमाउंट देंगे। 233A and 233AA ओमिट हो गया है, 234A ओमिट कर दिया गया, 233A। अच्छा जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का देख लेते हैं जी। आफ्टर द वर्ड इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक शैल बी इंसर्टेड।
the first of at the end, a column shall be shown, and therefore the following new proviso shall be added, namely, provided that the provision of subsection 1 shall not apply to a domestic consumer of luggage if his name is appearing on the ATL. For the taxier, the expression is subject to final regime or minimum tax regime. अच्छा जी 235 से उमिट कर दिया गया जी डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी पे। पहले जो था इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स लगता था इंडिविजुअल के केस में 75% से एक्सीड करता था बिल, लेकिन अब उन्होंने कर दिया जी अगर 25,000 से एक्सीड करेगा तो उस पे टैक्स लगेगा प्रोवाइडेड डेट के वो नॉन फाइलर है, लेकिन अगर वो फाइलर है तो उस पे जी पर्सन वन नॉट इंक्लूडेड। ठीक है जी, अगर वो नॉन फाइलर है तो उस पे लगेगा जी, अगर बिल 25,000 तक है तो 0% है, और अगर 25,000 से एक्सीड कर रहा है जो 7.5%। अच्छा जी, और ये सेक्शन ऐसे लोगों पे एप्लीकेबल नहीं है जिनकी इनकम जी एफटीआर में फॉल कर रही है या एमटीआर में फॉल कर रही है। तो मेन चेंजेस इसमें ये आई हैं कि जी 235 से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी को उन्होंने सेक्शन ओमिट कर दिया गया, और इसका वर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सेक्शन 235 उसमें भी ऐड उसमें ऐड कर दिया गया। जो पहले लिमिट थी 75,000 की कि आपका बिल जो 75,000 जब पर मंथ एक्सीड करेगा तो उस पर टैक्स लगेगा, तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का सेक्शन निकाल दिया गया है। अब ये है कि आपका अगर बिल 25,000 से एक्सीड करेगा और अगर आप फाइलर नहीं है तो आप पे टैक्स लगेगा, और तीसरी मेन चीज़ अगर आपकी इनकम एफटीआर या एमटीआर में फाइल करी है तो आप भी टैक्स नहीं लगेगा। एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ ए टिकट ओमिट कर दिया गया है जी, एडवांस टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आई हैं जी। इन एक्सप्लेनेशन आफ्टर द कोऑपरेटिव साइड द एक्सप्रेशन पब्लिक और प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स जॉइंट बाय प्राइवेट कमर्शियल कंसर्न। अच्छा जी, ये बता रही है जी ये सबसेक्शन 1A में बताया गया था कि किस किस ने टैक्स काटना है, जैसे कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने काटना है। अब इसमें ये नया ऐड कर दिया कि जी पब्लिक एंड प्राइवेट रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ जॉइंट वेंचर्स, इन्होंने भी जब पैसे लेने हैं प्रॉपर्टी के तो इन्होंने भी टैक्स काट के जमा करवाना है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन दी प्रोवाइजो फॉर द फर्स्ट ऑफ एट द एंड कॉलेज शैल बी सब्सिशन देयर आफ्टर द फॉलोइंग न्यू प्रोवाइजो शैल बी एडेड, नेमली प्रोवाइडेड फॉर द डेट इफ द सेलर आर ट्रांसफर इज अ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होल्डिंग POC NICOP आर अ CNIC जी, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है जी, हु एक्वायर दिस सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी थ्रू FCVA the tax collector in the section for the shelf। अच्छा जी, कोई ऐसा बंदा जी कि जिसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी, कोई ऐसा नॉन रेजिडेंट है जिसने प्रॉपर्टी एक्वायर की थी FCVA या NRVA जो अकाउंट से इनके थ्रू एक्वायर की थी और वो सेल कर रहे, तो जो टैक्स कटेगा एट द रेट ऑफ 1% या 2% वो उसकी फाइनल लाइबिलिटी है, अदरवाइज तो चला जाता था ना एडजस्टेबल में, लेकिन ये उसकी फाइनल लाइबिलिटी है। इन लियो ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, जो कैपिटल गेन है वैसे तो कैपिटल गेन आपका चला जाना था या सेपरेट ब्लॉक में चला जाना था या 5 मिलियन से एक्सीड करना था तो NTR में चला जाना था, तो अब ये है कि अब उसकी ये फाइनल लाइबिलिटी है। अगर वो FCVA और NRVA जो अकाउंट से उसके थ्रू वो पेमेंट कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट है, उसके ज़रिए उसने खरीदे हैं और उनके ज़रिए वो रिसीव कर रहे हैं। अच्छा जी, डिमांड टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें भी वही कोऑपरेटिव होल्डिंग सोसाइटी आपने परचेज किया है तो इन्होंने टैक्स काटने 1% एंड 2% सेम इन केस ऑफ फाइलर एंड नॉन फाइलर, और इसमें भी जी वही सेम जो प्रोविजन है जी नॉन रेजिडेंट वाली वो इसमें दी हुई है, तो टैक्स जो है वो
फाइनल लाइबिलिटी है इन लियो ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 37 एंड बाय द सेलर ट्रांसफर। अच्छा जी, ये 236 जो है, 236 ये एडवांस टैक्स ऑन सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। ये जी एवरी मैन्युफैक्चरर जो कमर्शियल इंपोर्टर्स हैं उन्होंने सर्टन जो आइटम्स हैं पेंट्स बेवरेजेस एंड सो ऑन, इस तरह के जो आइटम्स थे फर्टिलाइजर, उनको बड़ी कुछ कुछ 10-12 आइटम्स हैं उनको सेल करते हुए उन्होंने एडवांस टैक्स काटना था। मसलन के अदर देन डेट तो एडवांस टैक्स काटता है या टैक्स कलेक्ट करता है या डिडक्ट करता है वो पर्सन जिसने पेमेंट करनी होती है, लेकिन इस केस में हमने सेल्स के केस में इनवॉइस में ऐड करना था टैक्स, तो इसमें जी अब इजाफा कर दिया गया है एवरी मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक शुगर सीमेंट एंड सो ऑन, ये सारे जी इस पे टैक्स कटता था 0.5% या 0.77% एंड सो आफ्टर द वर्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल ऐड कर दिया जी, फार्मास्यूटिकल्स पोल्ट्री एंड एनिमल फीड एडिबल ऑयल घी ऑटो पार्ट्स फर्निशेस केमिकल्स कॉस्मेटिक्स आदि इक्विपमेंट। अब जब हम जो मैन्युफैक्चरर है या कमर्शियल इंपोर्टर है वो होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो हैं इसके फार्मास्यूटिकल के पोल्ट्री के या एनिमल फीड के या जो भी हैं एडिबल ऑयल घी ऑटो पार्ट्स टायर्स इनको इनको जब भी सेल करेगा तो इसमें 2% जो भी रेट है सपोज कर लें 0.1% या 0.7% आपको ऐड कर देगा एडवांस टैक्स ऑन सेल ऑफ टू सेल टू रिटेलर्स। और ये वो सारे जो पिछले हमने पढ़े हैं फार्मास्यूटिकल पोल्ट्री एनिमल फीड जब मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टर होलसेलर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जब किसी रिटेलर को सेल करेगा या एवरी डिस्ट्रीब्यूटर डीलर टू अनदर होलसेलर को सेल करेगा तो उस पर टैक्स लग जाएगा, उस पर वो एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगा, वो इसमें ऐड करेगा वो टैक्स, इसमें शायद टैक्स है जी 0.5%। तो ये है जी इसमें टैक्स ऑन सेल ऑफ सर्टेन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये ओमिट कर दिया गया जी, 236H ओमिट कर दिया गया। दो सौ छत्तीस के जी ये परचेज का आ गया है, ये सेम टू सेम वही जो हमने 236 सी में पढ़ा था। अब ये सारे बंदे हैं जिन्होंने एट ए टाइम ऑफ परचेज टैक्स काटना, ये नए ऐड कर दिए गए कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बाद, अब ये ऐड कर दिए गए। और सेम वही बंदा जी के जो बायर है जी वो नॉन रेजिडेंट है और वो नाइको होल्डर है, पीओसी होल्डर है, सीएनआईसी होल्डर है, और जिसने एफसीवीए या एनआरवीए के अकाउंट ओपन किया हुआ है जी, तो वो जो टैक्स डिडक्ट होगा उसका 1% या 2% वो एफटीआर है, वो नॉर्मल टैक्स नहीं होगा, उसकी डिडक्शन नॉर्मल टैक्स के अंडर नहीं होगी, वो एफटीआर के अंडर होगी। Further tax shall be collected at the time of transfer in case of buyer from whom tax has been collected। अच्छा जी, जिस बंदे से इंस्टॉलमेंट्स में टैक्स कलेक्ट हो गया उससे फर्दर टैक्स नहीं कलेक्ट होगा, आजकल इंस्टॉलमेंट्स का सीन भी चल रहा है ना। एडवांस टैक्स ऑन परचेज ऑफ इंटरनेशनल टिकट सबमिट कर दिया गया, एडवांस टैक्स ऑन बैंकिंग ट्रांजेक्शन सबमिट कर दिया गया, डिविडेंड इन स्पीशी ये फाल्क हो गया जी, डिविडेंड में एडवांस टैक्स ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल ट्रांजेक्शन पर्सन रिमिटिंग अमाउंट अपलोड थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड सबमिट कर दिए गए जी, ये सारे सेक्शन सबमिट कर दिए गए। फर्स्ट स्केड्यूल में जो चेंजेस आई हैं बेसिकली मोस्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो इनको फिर देख लेंगे।